वंदन करते हम कति दिल से तेरा गुणगान। मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल गार बजे यही गीत हम गाते रहे, मंगल गार बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिल कर से तेरा गुणगान। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के इस क्रिस्ती आग में धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ईश्वर हम जैसे हैं उस अवस्था में हमें प्यार करता है और हम में से हर एक के साथ वह रहता है। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जब यीशु कहते हैं निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। आइए हम यीशु के इस मिशन कार्य को समझते हुए सर्वप्रथम अपने पापों के लिए हम दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने ते कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर, हम जो अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, तेरे पुत्र हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा मुक्ति प्राप्त करें और उनके आदर्शों पर चलकर तेरी सेवा कर सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्याएं 1 से 4 एवं 17 से 19 अध्याय 10 वाक्य संख्या 1। पाठ का मूल वाक्य है, यही वह मनुष्य है जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, साउल उसकी प्रजा का शासन करेगा। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था, अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का, और बकोरत अफियह का पुत्र था।
कीश के एक साउल नामक नवजवान और सुंदर पुत्र था। इसराइलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गदिया भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालिशा प्रांत पार किया, किंतु गदियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शवालिम प्रदेश और बेन्यामिन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गदियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसा कि साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यदि वह है जिसके विषय में मैं तुमसे यह कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बात बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। सामुएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ, मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे, मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीष दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ग का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया, तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया, तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया, वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। जय घोष, अलेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 13-17। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर पर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं,
तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार का अंतिम वचन यीशु शास्त्री और फरीसियों को जवाब देते हुए कहते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी बीमार व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास या वैद्य के पास लेकर जाते हैं कि डॉक्टर या वैद्य बहुत अधिक लिखने की वजह से हम देखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर हमें देता है उनमें उनकी लिखाई कभी कभी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या लिखा है। जब रोगी या रोगी के साथ जो व्यक्ति जाता है उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जो उसकी समझ से परे है उसे देखकर वो कभी कभी कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, आलोचना करते हैं कि क्यों साफ नहीं लिख सकते हैं, कम से कम पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए। लेकिन वही प्रिस्क्रिप्शन जब केमिस्ट के पास या दवा देते हैं दुकानदार के पास जाती है तो उसे पढ़कर जो दवा देता है उससे रोगी को लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और वो समझ जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है कि जब यीशु मती जो नाकेदार है उसे बुलाते हैं कि आओ मेरा अनुसरण करो, और नाकेदार मती सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करता है। कि नाकेदार और पापी जिन्हें लोग समझते हैं वो यीशु के पास आते हैं, यीशु की शिक्षा सुनते हैं, वचन सुनते हैं और वे लाभान्वित होते हैं। दूसरी तरफ शास्त्री फरीसी जो यीशु को नाकेदार और पापियों के साथ देखते हैं भोजन करते हुए या उनके आसपास बैठकर उनकी शिक्षा को सुनते हुए वे कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, वे कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जो है वो नाकेदार पापियों के साथ उठते बैठते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कि वो यीशु की आलोचना करते हैं और यीशु के लिए भी वही बातें कहते हैं। नाकेदारों से लोग क्यों घृणा करते थे या नफरत करते थे? नाकेदारों को वो राष्ट्र विरोधी मानते थे या देशद्रोही मानते थे कि जो अपने ही राष्ट्र के लोगों के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि नाकेदार उस समय रोमी सम्राट उन पर राज्य करता है तो वे उनके एजेंट बनकर उनके लिए कार्य करते हैं कि वे अपने ही लोगों के साथ धोखा करते या समाज में या उनके इलाके में जो भी गतिविधियां चल रही है जो रोमी सम्राट के विरुद्ध है उनके सारे रिपोर्ट हैं जो उन्हें देते थे। नाकेदार लोग नैतिक रूप से भ्रष्ट थे क्योंकि वह कर वसूलते थे, जितना कर वसूलना है उससे ज़्यादा वे लोगों से लिया करते थे। तो जो हिस्सा सरकार को देना है, रोमी सम्राट को देना है उन्हें देते, बाकी वे अपने पास रखते थे, तो इसलिए वह धन संग्रह करते हैं। इसी कारण से
अध्यात्म या धार्मिक रूप से वे अशुद्ध माने जाते थे, पापी माने जाते थे, क्योंकि वह गैर इसराइलियों के साथ या गैर यहूदियों के साथ उनका संबंध बना हुआ था, जो यहूदी बनाए रखना नहीं चाहते थे। इस अवस्था में जब हम देखते हैं तो लोग शास्त्रीय फरीसी उन्हें नफरत या घृणा से देख रहे हैं और यीशु उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। जब यीशु कहते हैं कि निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम नाकेदार या पापियों के बारे में जब हम सोचते हैं कि जब मती ने यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उसने अपना हृदय खोला है कि वह खुलकर हृदय के साथ यीशु को वह प्यार मोहब्बत देता है, सम्मान देता है, यानी कि अपने हृदय वह यीशु के लिए खोल देता है, उन्हें स्वीकार करता है और अपना पुराना जीवन छोड़कर यीशु के प्रेम से परिपूर्ण होते हुए एक नया जीवन जीने के लिए आरंभ करता है। उसने अपना पुराना धंधा, अपनी आय इनकम जो भी है सब छोड़कर, पुराने जीवन को छोड़कर, भ्रष्ट जीवन को छोड़कर वह यीशु का अनुयायी बनता है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि नाकेदार मती सबों को अपने घर में आमंत्रित करा, यीशु को अपने घर आमंत्रित कर, अपना घर यीशु के लिए, यीशु के शिष्यों के लिए, अनुयायियों के लिए खोल देता है और वहाँ उनके साथ भोजन करते हैं, उनका मान सम्मान करता है। हम देखते हैं कि हम अपना घर, अपना परिवार प्रभु के लिए खोल दें और प्रभु ने हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य कि जहाँ हम प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, सब कुछ प्रभु के लिए करने को तैयार हैं। देखते हैं कि हाँ वो अपना हाथ या प्रभु के साथ सहयोग करता है और जो कुछ उसके पास है वह प्रभु को देता है ताकि प्रभु का कार्य, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आए हैं, प्रभु उसे पूर्ण कर सकें। तो यहाँ मती हमारे लिए ईश्वरीय कृपाओं का स्रोत बन जाता है। हम यीशु के पास आते हैं किस दृष्टि से आते हैं, किस सोच के साथ, किस विचार के साथ हम यीशु के पास आते हैं? कहीं हम मतलबी तो नहीं हैं कि हम केवल अपनी इच्छा या स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो कि जब हम प्रभु से चंगाई पाते हैं? क्या हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु से लाभ पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक बीमारी जो हमारी है उससे मुक्ति पाने के लिए कि जब हम प्रभु की उपस्थिति या हमारे प्रार्थना में मन लगे, हम मनन चिंतन जो कर रहे हैं, प्रार्थना जो कर रहे हैं वह प्रभु केंद्रित हो जाए, प्रभु की इच्छा को जानने का केंद्र बिंदु बन जाए, हमारी जो भावनाएं हैं इमोशनल सिकनेसेस हैं कि उन भावनाओं पर हम विजय पा सकें, कि जो हमें प्रभु से दूर ले जाते, हमारा गुस्सा है, नफरत है, जलन है, क्या इन बीमारियों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं ताकि प्रभु अपने प्रेम से, दया से, करुणा से, क्षमा से हमें भर दे। हम आर्थिक रूप से प्रभु से लाभ पाना चाहते हैं, कभी रोजगार मांगने के लिए, धन मांगने के लिए, या हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, क्या हम प्रभु पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, उन पर आस्था रख सकते हैं कि प्रभु हमारी सब ज़रूरतों को पूरी करेंगे? कभी कभी हम सामाजिक रूप से बीमार हैं, कोई आता नहीं है, मिलने नहीं आता हम, या दूसरों के साथ उठना बैठना नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु की संगति हमें सबके साथ सहभागिता सहचारिता चाहती है। क्या हम प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो प्रभु चाहते हैं? प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम प्रभु के साथ एक नया और घनिष्ठ संबंध बनाएं। आज 14 जनवरी हमें ये भी याद दिलाती है कि संत जोवस, जिन्हें 14 जनवरी 2015 को संत पापा ने उन्हें संत घोषित किया था, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने, तो ये याद दिलाने के लिए कि क्या हम
प्रभु का अनुसरण करने को तैयार हैं, हमारे जीवन के हर संघर्ष दुख तकलीफ सब प्रभु को छड़ाकर प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए उनके करीब आने को तैयार हैं। आइए इस कृष्ण बलिदान में भाग लेते हुए सम्मति के समान हम सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की अधीनता हम स्वीकार करें, उन्हें प्यार करें और हमारे अंदर जो भी खामियां हैं मति के समान सब प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु के अनुग्रह से अपने आप को हम भर लें। सब कुछ तेरा तुझे समर्पित है भगवन, जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा तुझे समर्पित है भगवन, जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुंवारी मरियम की तरह तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में दृढ़ बने रहें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र येशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुहारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान गाते हैं। पावन प्रभु
अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम फैले तीनों धाम पावन अति पावन प्रभु ईश्वर धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम फैले तीनों धाम पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्राइस्ट की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्मादेश शाह को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें,
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में ये सर्व शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग के हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम्हारी पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विशाल और दंड का कारण ना बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य की नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए,
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सकें। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में सदा बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। हम बच्चे तेरे चरण में आए माँ, तेरे के जीवन से आचल में तुझका ममता मैया के चल के तेरी माँ, कृपा दृष्टि हम पे रखना मेरी माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ।